कैसे आप सब लोग भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और भाई वीडियो को व्लॉग ना चलते ही लाइक कर देना ठीक है। और ये हमारी थोरी और मैं आज घूमने जा रहे हैं थोरू चले चल चल आज हम कई सारी चीजें करेंगे भाई व्लॉग में तो आगे आगे चलते हैं और मजा आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। चलो 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 उड़ गया था। ओहो उड़ गई है चिड़िया। ये दिखा रहा था मैं आप लोगों को। थोरू देखो कैसे खड़ा थोरे। दोस्तों अपडेट ये है कि हमारी काम वाली आंटी 2 दिन की छुट्टी पे और आज सेकंड डे है और मेरी मम्मी की तबीयत है खराब। सो अब बच्चा कौन? मानू कॉलेज में है, पापा फार्म पे हैं, बच्चा कौन? मैं और थोरी। ये रहा थोरी। अब थोरी तो मदद सेकंड कैमरा साफ कर लूँ मैं। थोरी तो मदद कर नहीं सकता, ये इतनी मदद कर दे कि ये बाल ना झटकाए अपने ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ही मदद होता है। तो अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी। देखो आपको आवाज़ भी नहीं आई होगी, एक्चुअली मम्मी ने कहा है कि बीमार होगी भाई। सो मम्मी बीमार हो गई है। ये देखो कितने चमका दिया मैंने, ये अभी अभी इसने गिराया थोड़ा ना। और अब ये स्टैंडिंग मॉप मारूंगा मैं, क्योंकि मैं मम्मी का अच्छा बच्चा हूँ। हमारी आंटी यार, कहाँ हमारी आंटी भाग जाती है यार, छुट्टी मांग गई मम्मी। अच्छी बात नहीं है ये। अरे छुट्टी तो बेचारे मैं थोड़ा ना गिरा था, मैं बीमार हो जाऊंगी। पर चलो हमने भी बताया नहीं उनको कि मम्मी बीमार होगी। हाँ फिर चलो उनका भी कोई ज़रूरी काम होगा तभी गए हैं। और मेरा भी क्या घिस रहा है, मार देता हूँ। वैसे भी स्टैंडिंग में होता है, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगते भी नहीं है। इसको हटा लो अपनी बोरी ने। नहीं उस रूम में मार दे। थोड़ो हट जा कैसे? नहीं उस रूम में मार दे। हट पोछा मारूंगा। खुद हट गया, इधर ही मारूंगा पहले। जा उधर जा वापस। अरे समझदार बच्चा तू, ऊपर बैठ गया, इसको आदत है। आप देखो ये कैसे सो रहा था, आंख खोली है ये देखो। अरे थोड़ी ये जीप तो उठा ले भाई। क्या कर रहा है? मीर फूल स्वाद लेके सो रहा है। सर खराटे मार रहा है। खराटे मार रहा था देखो। अब तो देख रहे है इसको, लग रहा है आंखों से टेटे टेटे देख रहे भाई। ये जीप उठा ले थोर तो दोस्तों फार्म पे आ गए। ये पैर डिप करने होते हैं, यही रूल है फार्म में, एंट्री होते हैं पहले पैर डिप करो फिर अंदर आओ। फार्म पे आ गया हूँ भाई और हमारे बच्चे अंदर है सारे। अभी इनको एक एक करके खोलता हूँ। बाकी आज के व्लॉग का जो टॉपिक और टाइटल आपने देख लिया है, देखो भाई प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है, रोज फॉलो करते हैं हम। तो भाई मोहित, जैसे कि मैंने तेरे को कल आइडिया बताया था, आज आप बाइक पे फोटो या पोस्टर लगवाएंगे बाइक का। आज लगाते हैं। और मैं यही बता रहा था, मैं ये कह रहा था भाई कि दुनिया क्या एक फिजिकली बंदे को मार सकती है पर उसकी सोच को नहीं दबा पाएगी, है ना? ये क्या हुआ? गर्म पानी था भाई टंकी में। वाह भाई वाह। ये देखो हमारे सारे बच्चे, तीन ही नहीं। इनके ऊपर अगर आप स्टोरी चाहते हो, नाम वगैरह, बस बस इन्हें नाम वगैरह क्या है, इन पे स्टोरी चाहते हो, वो स्टोरी टाइम कैसे आई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक तो भाई ये मेरी मीना है ना, छोड़ती ही नहीं, मेरे को छोड़ती ही नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो इनकी अब ट्रेनिंग शुरू होएगी, इसकी और उसकी। वो देखो वो पानी पी रही है। इना पानी गिरा रही है और फिर पानी पी रही है। खुशी कुछ सिखा दे इन्हें, आज कुछ सिखा दे इन्हें खुशी। तो भाई हमारी खुशी कूलर के अंदर बैठ चुकी है, एक्चुअली इसको गर्मी ज्यादा लग रही थी तो अभी खुशी आए मजे। और ये देखो इन्होंने अपना मुंह गिल्ला करा हुआ है। देखो चलो तो दोस्तों एक बार पहले मोहित के घर आए हुए हैं, क्योंकि 2 फिश लेनी है यहाँ से ताकि वो चेंज करा के आनी है। बाकी मोहित का एक्वेरियम दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई मोहित का एक्वेरियम कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी ये 2 फेवरेट फिश है भाई, ये वाली। ये 4 होती थी बट यहाँ पे ऑस्कर आई, दो ऑस्कर आई थी, उनमें से एक ऑस्कर ने इन 2 मछलियों को खा लिया था। इनका 4 फिश का पैक था।
ये वाली छोटी वाली जो पैरेट है ना, इसके चोट लगी हुई है और इसका कलर उतर गया है, पता नहीं। ये बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खिला रहे हैं, पता नहीं रंग कलर कहाँ चला गया। ये फिश भी बाकी सुंदर है, आप देखो। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना टैंक कैसा लग रहा है। थोड़ा स्पेशल नींबू पानी बना के आए हैं। क्या खासियत है भाई इसमें? बाकी ठीक है, देख लेते हैं। मस्त बनाया भाई ने। अच्छा? यार अदरक है ये है भाई, कुछ बताया अदरक है ना यार, फ्लेवर सा तो आया अदरक का। टेस्ट बड्स धोखा दे रहे हैं मुझे। कुछ ऐसा ही है। ऐसा लग रहा कुछ ऐसा ही है। वो बोल लिया यार। थोरू भाई नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। अभी तो भाई फाइनली एक जगह मिल गया जहाँ लग जाएगा, तो यहाँ लगवाते हैं भाई। ऑप्शन ये वाले हैं, बट मेरे को ये नहीं लगवाना, दिखाता हूँ मैं कौन सा भाई। मेरे को ये वाला बनवाना है, तो ये यहाँ नहीं बन रहा है। भाई कह रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, तो दूसरी शॉप पे चलते हैं। चलो भाई फाइनली एक जगह मिल गई हमें, जहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब भाई आगे यहाँ पे साइज लेगा और भाई सीधा कलर ही निकलवाएंगे हम। कई सारे हिसार में इतनी बड़ी ऑटो मार्केट है, वहाँ पे भी नहीं मिले ये सारे। नॉर्मल कह रहे थे कि जो सिंपल स्टिकर होते हैं वो लगा लो, बट वो नहीं लगवाना था। तो फिर यही है भाई मुझसे वाले का भाई का, क्योंकि वो यही लगाते थे अपने हर एल्बम में, तो यही लगवाएंगे और यहाँ लगवाएंगे बिल्कुल बीच में यहाँ पे। तो अब वो साइज ले लेंगे और अभी लगवाते हैं यहाँ पे। और मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है भाई, आज तक ना सोचा था और ना लगवाया था किसी भी बंदे का स्टिकर, किसी का भी नहीं। और भाई यहाँ से ही लेना है इस भाई से, ये शॉप है, यहाँ ही मिला था, वहाँ नहीं मिला ये। है ना मोहित? गलती से चले गए थे ऑटो मार्केट में। कौन सी नंबर दुकान है भाई अपनी? 43 नंबर। 43 नई ऑटो मार्केट के गेट के सामने। हाँ तो दोस्तों ये लगवा दिया अपने भाई का, अगर आप लोग को कि दूसरा लगाना वो भी लगवा देंगे, अब तो हमेशा मेंटेन रहेगा अपने यहाँ पे। तो आगे ये बात ऊपर चल के करते हैं। सो दोस्तों आप लोगों में से कई लोग कहेंगे चलो लगवा लिया तो दिखाया क्यों, दिखाने की क्या जरूरत थी, शो ऑफ कर रहा है। कई लोग कहेंगे लगाने की क्या जरूरत थी, मैं स्टिकर की बात कर रहा हूँ आगे मैं भाई। सो बात ये है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप किसी बंदे को फिजिकली मार सकते हो, बट उसने जो एक लेवल सेट करा, उसने जो एक कामयाबी हासिल करी ना, उसकी जो सोच है, उसकी लेगेसी, उसको नहीं मार सकते। सो भाई उस बंदे की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, हम फिर भी उनके गाने सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। और भाई उनका स्टिकर लगाया है, स्टिकर इन द सेंस कि उनकी याद लगाई है, जैसे हम अपने परिवार में कोई चला जाता है तो उनकी याद की तौर पे उनकी फ़ोटो वगैरह लगाते, ऐसे ही उनकी फ़ोटो लगाई है। तो मेरी तरफ से ये उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी, बट भाई उनके गाने सुने, और बंदा गाने खुद लिखता था तो उसका मतलब मैं उससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनके जो लिरिक्स थे वो एक एक चीज बताते थे कि वो भाई हम में से एक ही है। क्योंकि यार सिंपल मिडिल क्लास एक फॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी कास्ट भी सेम थी। मैं कास्टिज्म को सपोर्ट नहीं करता, बट भाई कास्ट भी हमारी सेम थी, हमारी फैमिली से सेम थी, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना कोई ज़्यादा बड़े किसान मतलब बड़े जमींदार थे, ठीक है, एक मीडियोकर लेवल के किसान भी परिवार से बिलोंग करते थे। उनके घर में एक नौकरी आ गई, नौकरी इन द सेंस उनके फादर की नौकरी थी, तो वो अच्छी तरीके से उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कर ली, और उसके बाद वो बाहर चले गए, फिर उन्होंने मेहनत करी। तो आप देख सकते हो कि विद इन मतलब 2 से 3-4 सालों के बीच में ऐसा नाम बना दिया कि मतलब हॉलीवुड तक उनका नाम पहुंच गया। और यहाँ दुनिया लोगों की उम्र निकल जाती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नाम कमाने के लिए। तो भाई कुछ दम था भाई में, तभी वो पहुंचे। और वो एक आर्टिस्ट थे अमेरिका के, टुपाक, उनको फॉलो बहुत करते थे। और द लास्ट राइड उनका लास्ट सेकंड गाना आया था, और उसमें उन्होंने जो जो बात कही सेम वही बातें हुई है। बट भाई इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको जैसे मारा गया कभी भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता भाई। जिन उन्होंने ना नफरत ही कमाई है, इक्का दुक्का लोग फैन थे गैंगस्टर्स के,
और जो कि चीज सही नहीं थी, सही नहीं होती, बट आज वो सब लोग गाली दे रहे हैं उनको, तो ये चीजें अच्छी नहीं होती भाई। कभी भी किसी को गलत रास्ते पे चलना तो कभी सही हो ही नहीं सकता। जितने भी मुझे आइडियल समझते हैं, मुझे भी अच्छा फील होता है यार। कई लोग आप में से बहुत बच्चे फोन करते कि आप मेरे आइडियल हो, तो भाई अगर आप मुझे थोड़ा भी छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा, कुछ भी समझते हो, तो अपने बच्चों को खुद और अपने भाई बहनों को सबको ये सिखाओ कि गलत रास्ते पे नहीं चलना हमने, और किसी की जान लेना है तो कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है। तो होप करते हैं कि हम सब साथ खड़े रहेंगे, भाई के गाने रोज सुनेंगे, उनको पूरे ट्रिब्यूट देंगे, ठीक है, और अच्छे के साथ और सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है भाई। इसी के साथ इस प्यार से व्लॉग को एंड करते हैं। मैं जानबूझ के ये व्लॉग डाला क्योंकि भाई मेरे को डालना था कि भाई भाई के लिए कुछ ना कुछ करना है। और हाँ, इना मीना की मम्मी कैसे आई, अगर आप वो स्टोरी टाइम सुनना चाहते हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग उसी चीज पे बनाएं। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।